गाइस जिन्होंने अभी तक फीमेल बाइकर 420 का पार्ट 1 नहीं देखा है पहले जाके वो देखो क्योंकि ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, और जिन्होंने पार्ट 1 देखा है वो इस वीडियो को एंजॉय करो। निजाम भाई एक हफ्ते से ज्यादा हो गया लेकिन अभी तक वह दर्द नहीं गया, बहुत मारा है उन्होंने। भाई उस लड़की से ज्यादा तेज आवाज तो हम दोनों ने मिलकर लगाई थी पर एक भी लड़का नहीं आया, और उस 420 की आवाज लगाते ही बूढ़े बच्चे जवान सब आ गए। लड़की के चक्कर निजामों पर लड़की चक्कर ऐसी होता है, इज्जत भी गई और बाइक भी गई। मैंने तो आपको पहले ही समझाया था कि वो फ्री में स्टंट कैसे कर सकती है, पर आप मेरी बात कहाँ मानते हो, लो अब भुगतो। भाई छोड़ वो बात, याद मत दिला उस पर भरोसा करने की, सच में दिल से बुरा लगता है। हाँ भाई छोड़ दी बात, एक बाइक के चक्कर में जो मैं अपनी इज्जत की कुर्बानी दी है ना वो बर्बाद नहीं जाने देंगे, अब इज्जत और बाइक दोनों वापस चाहिए। भाई पर अब उसको ढूंढेंगे कहाँ, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो ना तो पूरी कायना तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। एक मिनट फोन आ रहा है किसी का। हाँ भाई। अरे भाई तू तो कह रहा था तेरी बाइक चोरी हो गई है, पर तेरी बाइक तो मार्केट में खड़ी है। क्या? हाँ भाई सच में। अगर ऐसी बात हो तो मैं अभी एक मिनट मारूं भाई। क्या हुआ भाई? भाई हमारी बाइक मिल गई, वो पार्सल ही मार्केट में ही है। क्या? हाँ भाई। तो भाई देर किस बात की, चलते हैं फटाफट लेने के लिए। मैं बाइक की दूसरी चाबी ले लेता हूँ, तुम चलो। चल कॉन्ग्रेट्स भाई तेरी बाइक मिल गई। थैंक यू सो मच भाई बताने के लिए। ओके भाई आओ चलो भाई चलते हैं। बाइक कहाँ गई? यहीं तो खड़ी की थी। भैया। हाँ जी। यहाँ बाइक खड़ी थी केटीएम, आपने देखी? हाँ जी, वो दो लड़के आए थे, वो बोल रहे थे कि भाई हमारी बाइक तो यहीं खड़ी, वो बाइक लेके चले गए। अच्छा, चोर से चोरी। हेलो। ऐसा कर बाइक लेके फटाफट आ जा, मेरा सारा बाइक का स्टॉक खत्म हो गया है। यार क्या बताऊँ, वो बाइक ना चोरी हो गई। क्या? हाँ यार बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा। ऐसा कर फटाफट अड्डे पे आ जा। चल ठीक है मैं आती हूँ, थोड़ी देर लगेगी, कैब से आ रही हूँ। ठीक है। देखा भाई मैंने कहा था ना किसी चीज को दिल चाहो तो पूरी कायनात तुम उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। देखा ना हमारी बाइक मिल गई वापस। भाई बाइक तो मिल गई पर इज्जत वापस कैसे मिलेगी जो हम इतने पिटे हैं? भाई वो ही मिल जाएगी, अभी बाइक मिल गई है पहले उसकी खुशी मनाते हैं। हाँ भाई चल ऐसा कर कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दे खाने के लिए। लो भाई फोन, तुम ही ऑर्डर कर लो जो करना है। सुन कान खोल कर, मुझे बाइक आज ही किसी भी कीमत पे चाहिए। यार तू कैसी बातें कर रहा है, कहाँ से करूँगी यार दूसरी बाइक का इंतजाम, कम से कम एक दो दिन का टाइम तो दे। पागल हो रही है क्या, इतना टाइम लेगी, आज ही कर इंतजाम। यार तू समझने की कोशिश कर, मैं इतनी जल्दी इंतजाम नहीं कर पाऊंगी, और 5 साल हो गए हमारी दोस्ती को, कम से कम उसकी खातिर तो समझ। दोस्ती ना धंधे के बाहर होती है, अंदर नहीं। और मेरा ना दिमाग खराब मत कर, मुझे बाइक का आज ही इंतजाम करके दे। अच्छा तो तुझे जो करना है ना तू कर, आज तो नहीं हो पाएगा, एक दो दिन के बाद ही होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, लड़की हूँ कमजोर नहीं, पर आज के बाद अगर हाथ लगा दिया ना तो हाथ ही नहीं बचेंगे। और एक दो दिन से पहले ना मुंह मत खोल दियो, एक दो दिन के बाद ही हो पाएगा बाइक का इंतजाम। Asking for forgiveness, 'cause you should know only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone.
back, so save it. Auto, auto. भैया उस बाइक के पीछे करना है। भाई ऑनलाइन से अच्छा तो ये रहा कि हम बाहर जाके खाना खा के, वरना फिर पता नहीं हम कब खाते। हाँ भाई सच में। They say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me feel again. अरे ऐसी कुछ अच्छा चल I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. आ गए हमारी बाइक पर हाथ साफ करने के लिए। जी। तुझे हमारा लोकेशन कैसे पता चला? वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। वही। चलो मैं चलती हूँ। बाय। भाई साहब पकड़ेंगे कैसे इसे? पता नहीं यार। अरे भाई क्या हुआ, कैसे परेशान हो? अरे भैया बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। हुआ क्या, बात तो बताओ। मैं भी टाइम बताने के लिए नहीं है, अभी अपनी बाइक दो जल्दी से फटाफट। निजाल भाई जल्दी बैठो। भाई इतनी बड़ी सिटी में हम ढूंढेंगे कहां पे उसे? अरे भाई मैंने बाइक में ट्रैकर लगा रखा था, वो जिससे कि हमारी बाइक की लोकेशन पता चल जाए कहाँ है। भाई मेरा फोन निकालो और ट्रैक करो वो कहाँ है। भाई यहाँ से सीधा ले। हेलो, मैं बाइक लेके आई हूँ अड्डे पे, कहाँ है तू? अरे यार मैं तो नए अड्डे पे आ गया, ऐसा कर बाइक लेके इधर ही आ जा। चल ठीक है मैं वहीं आ रही हूँ। भाई लोकेशन आई गई, आगे से लेफ्ट ले लियो। अबे यार इसे एक बात बतानी तो भूल ही गया। हेलो यार ऐसा करियो, अड्डे के बाहर ना एक बंदा खड़ा हुआ है, उससे पेमेंट लेते आइयो। ठीक है ठीक है। ये कहाँ गए हम? भाई लोकेशन तो यहीं की दिखा रही है, पर यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। अरे भाई ट्रैकर तो ये पड़ा, इसका मतलब वो यहाँ पर आई थी, शायद वो इसका अड्डा भी हो सकता है। हाँ भाई उसका अड्डा हो सकता है। ओए मैं ना नजरों में आती हूँ, हाथों में नहीं। कोशिश बेकार है। कोशिश तो तेरी बेकार है भागने की। भाई एक काम कर, तू पीछा कर मैं आता हूँ। पर भाई तू आया कैसे? अरे भाई देख तू क्या एंट्री लेके आता हूँ मैं, दोनों भाई अलग अलग बाइक से पीछा करेंगे तो आसानी से पकड़ लेंगे। पकड़। ठीक है भाई। Boy is a
ground, don't get caught in the mosh pit. The fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm a classic. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is... कर लेना काम, कोशिश अपनी पूरी जी जान लगा के, पकड़ तू मुझे तब भी नहीं पाएगा। तू भी पूरी कोशिश कर ले बचने की, ऐसे तू भी नहीं पाएगी। अच्छा तो मैं चली, बाय बाय। बाइक का पेट्रोल भी खत्म होना था। शिट, निजामुल को फोन करता हूँ। हाँ भाई। अरे निजामुल भाई, मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, कहाँ हूँ भाई? मैं सेक्टर 18 की फ्लाईओवर के नीचे वाली रोड पे हूँ। अच्छा, मैं भी उसी फ्लाईओवर के ऊपर हूँ। ऐसा करो, बीच में आते रहो और 40 की स्पीड रखना, मैं ऊपर से कूद जाऊंगा। अच्छा, तू मुझे देख पा रहा है क्या? हाँ भाई, मैंने आपको देख लिया, आप आते रहो बीच में, 40 की स्पीड रखना। हाँ, मैं कूद रहा हूँ 10 सेकंड में। ठीक है भाई, कूद ले। भाई क्या सीन था यार, क्या परफेक्ट जम मारी है तूने। थैंक यू सो मच भाई। और आप भी भाई, क्या एंट्री लेकर आए। अच्छा भाई, ऐसा करो, वो फ्लाईओवर से उतर गई हुई तो यहाँ से लेफ्ट लेकर शॉर्टकट ले लो। बाइक है, काश ये सुपर बाइक तो पहले लेकर आता तो मजा आ जाता। मजा तो तुझे मैं छिपाऊंगा, जहां तक भागना है भाग। मैं भाग ही तो रही हूँ, पकड़ सकता है तो पकड़ ले। Cover the map, it's telling nowhere you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready. Keep an eye out for the fakes, for the snakes. Roll the clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Blood to my hands, got swans to my gunners. You'll be notorious, yeah, don't run us. Blood to my hands, got swans to my gunners. These warriors, they ain't gonna run us. Blood to my hands, got swans to my gunners. भाई क्या यार, तुम इससे भी नहीं पकड़ पा रहे, हाय पूछा से। भाई जोश जोश में से लेके तो आ गया मैं, पर ये मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही। अबे यार, तो क्या यार, जो मैंने ट्रेनिंग कराई वो सब बेकार। अच्छा अब देख, बाइकर बनेगा रे तू? तुझसे एक केटीएम गर्ल नहीं पकड़ी गई सुपर बाइक होने के बाद भी, तो क्या फायदा से सुपर बाइक होने का? चल एक काम कर, इसे मुझे दे दे। ये कोई खिलौना नहीं जो तूने मांगा और हमने दे दिया। खिलौना तो तुमने समझ रखा है सुपर बाइक को, जो तुम इसे ऐसे चला रहे हो। तुम बाइक को एक छोड़ो, साइकिल चलाओ साइकिल, तुम्हारे बस की नहीं है ये बाइक चलानी। तुम्हारी इतनी मत सोच कि हम क्या करें क्या नहीं, तेरी भले इसी में तुम्हारी बाइक वापस कर दे। भलाई का तो तुम अपने बारे में सोचो, मेरा पीछा करते करते तुम यहाँ तक तो आ गए, पर तुम लोगों को मालूम है कि तुम कहाँ आए हो? नहीं नहीं। वेरी गुड बॉयज।
I think the girls with their nails done now. देख, तूने मुझे KTM लाने के लिए बोला था, मैं तेरे लिए सुपर बाइक भी ले आई हूँ। चल अब इसकी भी साथ में पेमेंट कर दे। चल देख, डन। बढ़िया, मैं जरा सुपर बाइक की राइड लेकर आती हूँ। हाँ क्यों नहीं। KTM लेने गए थे, भाई उसे देकर आ गए। भाई मुझे तो डर लग रहा है, क्या होगा अब? भाई सब शुरू आपकी वजह से हुआ है, वो आपकी जैसी मेरी KTM के पीछे पड़ी और वो भी अब दोबारा लेकर भाग गई। चल यार मैं तो कुछ नहीं कह रहा दोस्त यार में, लेकिन जिसकी आपने हाइब्रिड चुरवाई है ना, वो क्या हाल करेगा आपका? पता है वो कितनी महंगी बाइक है? भाई हायाबुसा वाले का फोन आ रहा है, अब क्या होगा? भाई अब चलो देखो क्या होता है, अब जो भी होगा थर्ड पार्टी। हेलो गाइस, गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये जो बेल आइकन दिख रहा है ना दबा दो। लव यू ऑल।